आज का हमारी जो टॉपिक है, आज जिस बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं, वो ये है कि हम जानते हैं पूरी देश के अंदर कोरोना महामारी के कारण पैंडेमिक का सिचुएशन है, महामारी की सिचुएशन है। और जैसे भी हमारी ज़िंदगी इसके पहले हुआ करती थी, वो ज़िंदगी पहले से बदल चुकी है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बंद है। बहुत लोगों ने इन लॉकडाउन के दौरान अपना जो रोज़गार है वो रोज़गार खोया है। बहुत सारे लोगों ने अपने घर वालों को, अपने अपनों को खोया है। मेरे व्यक्तिगत रूप पे ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानती थी। मेरे परिवार के लोग थे, मेरे दोस्तों के माता पिताएं थे जिनको हमने इस दौरान खोया है, कोरोना महामारी के कारण खोया है। और ये एक ऐसा वक्त है जो वक्त हम सब लोगों ने कभी सोचे नहीं थे कि एक ऐसा दिन आएगा जब हमें स्कूल, यूनिवर्सिटी बंद करना पड़ेगा, कॉलेज बंद करना पड़ेगा, बस, गाड़ी, हमारी जैसी ज़िंदगी आम ज़िंदगी रहती है वो सारी चीज़ें एक दिन अचानक से ऐसे बंद हो जाएगा। ये कभी भी हम लोगों ने सोचा नहीं था। पिछले साल जब महामारी आया, कोरोना आया, द फर्स्ट वेव ऑफ कोविड, तो पहली बार हमको इसका महसूस हुआ। उसके बाद ऐसा लगा कि शायद चीज़ें ठीक हो रही है, शायद चीज़ें बेहतर हो रही है, लेकिन फिर से अभी 2021 में कोरोना का जो सेकेंड वेव है, वो सेकेंड वेव भी आया है। और ये कहा जा रहा है, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि जो थर्ड वेव है वो भी बहुत जल्द भारत के अंदर आने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आज का हमारा लाइव रहेगा, जिसमें हम कुछ दो तीन चीज़ों को लेके बात करने का कोशिश करेंगे। एक बात जो हम पिछले एक सालों से देखे हैं कि ये बात सच है, कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण जो लोग आम लोग थे, मेहनत कश लोग थे, जो मजदूर थे, जो हर दिन कमाते थे, हर दिन खाते थे, उन लोगों की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कठिनाई बढ़ा है। हमने देखा है बहुत सारे लोग जो माइग्रेंट लेबरर थे, जो प्रवासी मजदूर थे, हमने देखा किस तरीके से वो लोग पैदल चलने पे मजबूर हो गए, कितने लोगों की जान गई, कितने लोगों की मौत हुई, क्योंकि हमारा जो सरकार है, हमारा जो राष्ट्र है, वो उनकी जो नागरिक है, उनके जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, उनका जिम्मेदारी लेने से वो लोग इनकार करती है। हमने देखा कि इस देश के जो गरीब आम लोग, जो मजदूर मेहनत कश लोग हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा इस पूरा वक्त के दौरान वो अफेक्टेड हुए हैं, उनको नुकसान हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ जो लोग, हमें ऐसा लगता है, इन पूरा कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण अफेक्टेड हुए हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा लोग स्टूडेंट्स भी हैं। क्योंकि हमने देखा है पिछले एक सालों से कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खुला नहीं है, बंद है। हमने देखा 10th 12th का जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला था, वो एग्ज़ामिनेशन कैंसिल हो गया है। बहुत सारे जो स्टेट बोर्ड्स ने भी अपना एग्ज़ामिनेशन कैंसिल किया है। अब जब एक बच्चा पिछले दो सालों से पढ़ाई लिखाई करता है, तैयारी करता है, और अचानक परीक्षा के पहले उनको पता चलता है कि हमारा ये एग्ज़ामिनेशन होने नहीं वाला है, तो जो भी मेंटल प्रिपरेशन होता है एक बच्चे का, एक स्टूडेंट का, एक छात्र का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा गड़बड़ा जाता है। और हम जिस सिस्टम में हैं, उस सिस्टम में एग्जामिनेशन को तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एग्जामिनेशन को सामने रख के हम अपना शेड्यूल बनाते हैं, अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो अगर वो एग्ज़ाम ही अचानक से बंद हो जाए, तो पढ़ने का जो मोटिवेशन है, कंटिन्यूस पढ़ाई लिखाई के अंदर रहने का जो मोटिवेशन है, वो मोटिवेशन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। हमने देखा बहुत सारे बच्चों को डिफरेंट तरीके की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि वो लोग घर में हैं, लोगों से मिल नहीं रहे हैं, ऑनलाइन क्लास हो रहा है, घर में मतलब मम्मी पापा जो है शायद वो काम में बिजी रह रहे हैं, उनके साथ बात करने का कोई नहीं है। तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली जो स्कूल में हैं, हमने देखा वो लोग एक साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस से गुजर रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि कैसे ये जो अजीब सा एक वक्त है, ये जो डिप्रेशन है, कैसे इस डिप्रेशन से वो लड़े, उन्हें वो पता नहीं है। हमने देखा कि जो लोग कॉलेज में पढ़ते थे, एक तो उन लोगों को पता ही नहीं चला कॉलेज क्या है। जितने भी लोग हम लोग कॉलेज मतलब कॉलेज से गुजर के आए हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या फिर कॉलेज ख़त्म किए हैं, हम सब लोगों को मालूम है कि वो जो 3 साल होता है हमारी ज़िंदगी का, जिसमें हम कॉलेज में जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो हम सबकी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होता है। सिर्फ ये नहीं कि हम नया सब्जेक्ट को जानते हैं, नया विषय में ज्ञान आरोहण करते हैं, पर उसके साथ साथ हम एक इंसान के रूप में, एक इंडिविजुअल के रूप में, एक नागरिक के रूप में बहुत सारे नए चीज़ें सीखते हैं। मैंने जो राजनीति जितना भी सीखी है,
राजनीति के बारे में मेरा जितना भी सोच है, बुझ है, जितना भी समझ है, वो सब मैं कॉलेज से सीखी हूँ। कॉलेज में मैं जब गई, वहाँ पे मैंने राजनीति देखा, छात्र राजनीति देखा, स्टूडेंट्स यूनियन चुनाव लड़ा, वहीं से मुझे एक एक राजनीतिक जो सोच है, जो समझ है, वो सारी समझ बनी। और हमें लगता है कि एक 18 साल का बच्चा जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चुन सकता है, उनको अगर हम ये बेसिक पॉलिटिक्स का पार्ट ना दे, जहाँ पे वो खुद उसमें पार्टिसिपेट करता है, जिसमें वो खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, अपना CR कौन होगा, अपना जनरल सेक्रेटरी कौन होगा, अपना यूनियन का प्रेसिडेंट कौन होगा, ये सारी चीज़ें पे वो डिसीशन लेता है, शी और ही बिकेम्स अ पार्ट ऑफ द डिसीशन मेकिंग। हमें ऐसा लगता है कि अगर ये पार्ट जिंदगी का, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, अगर हम लोगों से छूट जाएगा, तो एक इंडिविजुअल के रूप में, एक नागरिक के रूप में, हमारा जो जिम्मेदारी है, जो दायित्व है इस देश के लिए, समाज के लिए, कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत सारी खामियां रह जाती है। जो तीसरी चीज़ हमने देखा, कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद रहने के कारण जो हुआ, और जो महिलाएँ हैं, उन महिलाओं के ऊपर एक अजीब तरीके का प्रेशर बना। मैं व्यक्तिगत रूप पे ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, उनसे मेरी बात हुई है, जो लोग हॉस्टल में रहते थे, पढ़ाई करते थे, पढ़ाई के बारे में बहुत सीरियस थे, पर जब से लॉकडाउन हुआ, हॉस्टल सारे बंद हुए हैं, उन लोगों को हॉस्टल छोड़ के घर आना पड़ा, वो घर आने पे मजबूर हो गए। अब ऐसे जगह पे वो लोग रहते हैं जहाँ पे सोच ली एक ही कमरा है, उस कमरे के अंदर 5-7 लोग रहते हैं, अब अगर उसको ऑनलाइन क्लास करना पड़ेगा, वो कहाँ पे करेगा। हमें पता है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, वो सोसाइटी पितृसत्तात्मक है, पेट्रियार्कल है, और जिसमें हम ये सोचते हैं कि घरेलू जो काम है, जो डोमेस्टिक काम है, चाहे वो कपड़े धोना हो, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो घर की सफाई करना हो, ये सारी चीज़ें औरतों की जिम्मेदारी है, महिलाओं की जिम्मेदारी है। तो जो लड़की अपने घर से बाहर जाके, यूनिवर्सिटी में जाके, कॉलेज में जाके, हॉस्टल में रह के अपना पढ़ाई लिखाई कर रहा था, उसको जब लॉकडाउन के कारण घर आने पर वो मजबूर हो गया, उसको घर की जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी भी उसके कंधे पे आ गई। तो जिस तरीके से इसके पहले वो अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान लगा पा रहा था, वो उसका जो स्पेस था, वो उसका जो जगह था, वो जगह कम हो गया। घर की कामों का जिम्मेदारी, घर में जो लोग रहते हैं उनकी जिम्मेदारी, ये सब जिम्मेदारी उनके कंधों पे आया। हमें सुनाई, मतलब ये हम सुनने में आया और बहुत सारे जगह पे ये रिपोर्ट्स भी दिखा रहा है, ये स्टैटिस्टिक्स भी दिखा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी महिलाओं की, बहुत सारी लड़कियों की फोर्सफुली उनका शादी करवा दिया गया, मजबूरी, मतलब जोर जबरदस्ती से उनका शादी करवा दिया गया, क्योंकि हमारे दिमाग में, क्योंकि ये एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, हमको ऐसा लगता है कि अगर लड़की घर में बैठी रह रही है तो वो हमारी कंधे पे बोझ बन गई है। जब तक वो बाहर थी, पढ़ाई लिखाई कर रही थी, वो दूसरी बात थी, अलग बात थी, अभी घर में बैठे हैं, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हमारे सामने आई जहाँ पे लड़कियाँ जो पढ़ाई लिखाई कर रही थी, उनको ज़ोर ज़बरदस्ती उनका शादी करवा दिया गया है। एक बहुत दुखद घटना पिछले दिन केरल के अंदर हुआ है। एक लड़की मेडिकल पढ़ रही थी, मेडिकल की छात्रा थी वो, उनकी शादी होती है, तो जिनके साथ उनकी शादी होती है, वो कुछ दहेज मांगते हैं, उनको दहेज दिया जाता है, सोना दिया जाता है, गाड़ी दिया जाता है, ज़मीन दिया जाता है, पर इतने सब पाने के बावजूद भी उनके जो ससुराल वाले हैं, वो संतुष्ट नहीं थे। जो उनका पति है, हर दिन, हर रोज़ उनको मारता था, पीटता था। जब लॉकडाउन हुआ, ऑनलाइन क्लास चल रहा था, उनका क्लास तक बंद करवा दिया गया, बोला कि नहीं, तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे जब तक तुम्हारे पापा हम जो जो मांग कर रहे हैं वो सारे सामान हमको ना देते, तब तक तुम्हारा पढ़ाई लिखाई बंद रहेगा। आउट ऑफ डेस्परेशन, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, अपने दुख से वो पिछले दिन खुदकुशी करने पे मजबूर हुई। और कल के ही दिन दूसरा एक घटना आया, जो भी एकदम एज इट इज़ ऐसा ही था, कि डाउरी की कारण, दहेज के कारण फोर्सफुली एक लड़की को इतना ज़्यादा सताया गया, इतना ज़्यादा मारा गया, इतना ज़्यादा पीटा गया, कि वो खुदकुशी करने पे, अपनी जान लेने पे मजबूर हो गई। अब ये जो डोमेस्टिक वायलेंस की घटना है, ये जो घरेलू हिंसा का घटना है, ये भी जो छात्राएं हैं, जो महिलाएं हैं, जो लड़की है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो घर में रह रही है, उन पे बढ़ रहा है। हमें और भी ये पता चला कि जो ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है वहाँ पे भी, क्योंकि वहाँ पे नंबर या ID या फिर किसी जगह पे वीडियो एक्सेसिबल हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को लेके कुछ लोग, सेक्सुअल हरासमेंट की घटना घटी है। अभी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का घटना था, जहाँ पे जो प्रोफेसर थे,
वो प्रोफेसर जो लड़की एग्जाम दे रही थी उनके साथ बदसुलूकी की, सेक्सुअल हरासमेंट की घटना घटी। और ये कोई एक घटना नहीं है, ऐसा बहुत सारा घटना रोज घट रहा है, उनमें से कुछ ही बाहर आ पा रहा है। तो ये कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद होने के कारण महिलाओं पे जो प्रेशर है, महिलाओं की जो स्ट्रगल है या फिर छात्राओं की जो लड़ाई है, वो लड़ाई और भी कठिन हुआ है। और इनके साथ साथ और भी एक सेक्शन जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, भारत की छात्र फेडरेशन, हम बार बार कहते हैं कि हमारी संगठन में आने के लिए आपको किसी भी जात, किसी भी धर्म या फिर किसी श्रेणी से आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सबके लिए शिक्षा, सबके लिए काम, धर्मनिरपेक्षता, इन सारे उसूलों पर विश्वास रखते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन हमने देखा ये पूरा लॉकडाउन के दौरान जो पिछड़े परिवार के बच्चे हैं, जो गरीब परिवार के, आम परिवार के, मेहनतकश परिवारों के बच्चे हैं, उनके लिए उनका जो स्ट्रगल है, उनका जो लड़ाई है, वो भी और भी कठिन हुआ। अभी एक फिलहाल में एक सर्वे आया था जिसमें ये दिखा रहा है कि ये जो स्विगी या फिर जोमैटो जो फूड डिलीवरी ऐप है, ये लोग लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों को हायर किए, बहुत सारे नए लोगों को नौकरी दिए। तो जो लोग नौकरी के लिए अप्लाई किए और जो लोगों को नौकरी मिला, उनमें से एक बड़ा संख्या था जो बस 19 के ऊपर थे या फिर जस्ट 18 क्रॉस किए हैं, 18, 19, 20, इस जो ये जो रेंज है, ये जो उम्र है, इस उम्र के बहुत सारे बच्चे लॉकडाउन के कारण, इसलिए क्योंकि उनके मम्मी पापा का, परिवार के लोगों का रोजगार बंद हुआ है, ख़त्म हुआ है, वो लोग रोज मतलब कुछ काम ज्वाइन करने के लिए, जॉब करने के लिए मजबूर हुए हैं। और ये भी एक बहुत चिंता की बात है कि अगर हमारा जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो इन बच्चों का जिम्मेदारी नहीं लेता, अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी रीओपन नहीं होता, तो ये जो ड्रॉप आउट है, ये जो कॉलेज छोड़ने वाले बच्चे हैं, स्कूल छोड़ने वाले बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी छोड़ने वाले बच्चे हैं, जिनका ज़्यादातर लोग मेहनतकश परिवारों से, आम परिवारों से आता है, ये संख्या जो है, ये संख्या भी बढ़ने वाला है। इसीलिए हम भारत के छात्र फेडरेशन की ओर से ये मांग कर रहे हैं, हम बहुत पहले दिन से ये मांग हमारी थी कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हो, सारे लोगों को वैक्सीन दिया जाए। हम इसी बात